दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि अभी हाल ही में सेफ ने अपना जो रीसेंट डेटा जारी किया है कि कितने लोगों को उसने इमिग्रेशन अलॉट की है, कितने लोगों को रेजिडेंस परमिट मिले हैं, और उसके अंदर जितने भी हमारे भाई जिन्होंने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया है आर्टिकल 88 89 में, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी रिलीफ भी देगी अगर आप रेजिडेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी लेकर कि इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस में है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप है, अगर हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करिए दोस्तों, अगर क्योंकि उसमें मैं इन्फॉर्मेशन अक्सर शेयर करता रहता हूँ जो भी लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, और मैं अक्सर उसके अंदर जॉब्स को लेकर भी पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई रहने की जगह है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर पोस्ट करें, और अगर आप किसी को जॉब दिलवा सकते हैं तो वो भी ज़रूर दोस्तों पोस्ट करें, एक दूसरे की मदद किया करें। और इसके अलावा हमारा एक इमिग्रेशन का ग्रुप भी है, पेज भी है जेम ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके, अगर आप हो सके तो वो भी ज्वाइन करें। पूरे यूरोप के अंदर कहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमिग्रेशन की, आप कहाँ पर लीगली आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले मैं अपने पेज पर ही शेयर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईमेल किनको आ रही है दोस्तों, तो वो अभी तक 24 और 25 अगस्त 2020 में जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी उन्हीं को रिसीव हो रही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा और पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सब लोगों को सेम डे ही रिसीव हो, अगर सबकी फाइल सेम डे जो है सबमिट हुई थी, आगे पीछे हो जाता टाइम, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग अब जानते ही हैं कि जुलाई 2020 तक सभी लोगों को फर्स्ट ईमेल सेकेंड ईमेल रिसीव हो चुकी है, जिससे वो अपनी अपॉइंटमेंट की डेट्स उठा सकते हैं। अगर अभी भी हमारे कोई भाई ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं तो तुरंत वो सेफ में कॉल करें और पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, और 10 दिन वाला टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है उसकी, अब हमें उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भाई मिस कर देते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं उठाते 10 दिन के अंदर, तो आप सेफ को अपने रजिस्टर्ड ईमेल से कॉन्टैक्ट करिए और वो आपको सेकेंड चांस दे देंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने भी नोटिस किया है कि ये हमारे आने वाले जो भाई जो फैमिली से अप्लाई करना चाहती हैं रेजिडेंसी के लिए आर्टिकल 88 89 में पुर्तगाल में, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पर अभी तक उनको रेजिडेंस परमिट इशू नहीं हुआ है, ये उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे ख्याल कोई कल या परसों सेफ ने एक डेटा जारी किया है मीडिया के अंदर, जिसके अंदर उसने 2021 में कितने लोगों को फाइल्स जो रेजिडेंस परमिट उन्होंने ग्रांट किए हैं, तो अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 2021 में 8% की जो गिरावट देखी गई है उसके पहले के साल के मुताबिक, जो 1,09,000 के करीब रेजिडेंस परमिट इशू किए गए थे 2021 के अंदर, और उससे पहले 1,18,000 जो रेजिडेंस परमिट जो है वो इशू किए गए थे, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है दोस्तों कि 13,000 ब्राज़ीलियंस को दिए हैं इन्होंने, और लगभग 5,700 5,700 के करीब जो इंडियंस हैं उनको रेजिडेंसी मिली है, और 1,800 के करीब 1,900 के करीब जो नेपाली हमारे भाइयों को रेजिडेंसी जो है ग्रांट की गई थी 88 89 में। तो दोस्तों अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो इन्होंने फ्रांस की कंट्रीज में से इटली जर्मनी और फ्रेंच सॉरी यूरोप की कंट्रीज में से इन्होंने इटली फ्रेंच और जर्मन जो है उनको किया था रीजन परमिट ग्रांट किया है। और अगर फैमिली री यूनिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इन्होंने पिछले साल 2021 में लगभग 8,500 के करीब इन्होंने जो है ब्राज़ीलियंस को, और जिसमें से 732 यानी 732 जो है अंगोलन्स, और 572 यानी 572 जो है वो इंडियन फैमिलीज को इन्होंने जो है फैमिली रीयूनिफिकेशन रीयूनियन के अंदर उन्होंने रेजिडेंस परमिट ग्रांट किए हैं। अब दोस्तों अच्छी खबर
इसमें हमारे लिए क्या है कि सेफ ने ये जो डेटा जारी किया है, इस डेटा के अंदर सेफ ने ये नहीं मेंशन किया कि उसने क्या कोई फाइल रिजेक्ट भी करी है, क्या सेफ ने किसी को डिपोर्ट भी किया है कि जिसने फाइल सबमिट करी थी आर्टिकल 88 और 89 के अंदर, और सेफ ने कुछ लोगों को या ज़्यादा लोगों को क्या सेफ ने डिपोर्ट भी किया है ये कह करके कि नहीं तुम एलिजिबल नहीं हो, भले ही तुमने सारा कुछ किया भी हो तो हम तुम्हें रेजिडेंसी नहीं दे सकते और तुम्हें जो कंट्री छोड़ के जाना होगा। तो दोस्तों इन सारे डेटा में अगर आपने गौर से अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर यही बात कही गई है कि इतने लोगों को, इतनी फैमिलीज़ को हमने रेजिडेंस परमिट ग्रांट किया है पिछले साल में, पर इसके अंदर ये बात नहीं की गई है कि हमने डिपोर्ट या फाइल्स रिजेक्ट भी करी हैं। क्योंकि अगर दोस्तों सेफ इतनी इन्फॉर्मेशन देता है तो सेफ ये भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि भाई हमने इतनी फाइल्स रिजेक्ट करी हैं और इतने लोगों को हमने ये ऑर्डर जारी किए थे कि आप लोग कंट्री से आप निकल जाइए, वापस अपनी कंट्री चली जाइए, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर सेफ ने इस तरह का डेटा जारी नहीं किया है तो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि सेफ ने कोई भी केस अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है। तो ये जो अफवाहें चल रही हैं कि भाई सेफ केस रिजेक्ट कर रही है, अब सेफ जो है वो फाइलें बंद कर रही है, नहीं लेगी, तो अभी तक ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अभी जिनकी फाइलें लॉक हो चुकी हैं या जो करने के लिए आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सेफ जो है फाइलें रिजेक्ट नहीं करता। जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है अमूमन सभी लोगों को जो है सेफ है वो रेजिडेंसी ग्रांट कर रहा है। पर इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, जैसा कि आजकल सेफ छापेमारी बहुत कर रही है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सेफ को मिलती रहती है और जब वो केस फॉरवर्ड करते हैं आगे पुलिस को, सेफ जो है वो आगे पुलिस सेफ पुलिस को फॉरवर्ड कर देती है, और जब सेफ पुलिस इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करती है, जब उन्हें पता लगता है, तो ये ज़रूर है दोस्तों कि आपको रेजिडेंसी मिलने का टाइम आगे चला जाता है अगर आप उस तरह के फ्रॉड के अंदर पाए जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर दोस्तों ब्लैकलिस्ट कंपनी का सबसे ज़्यादा शोर है इस टाइम के ऊपर भी, आपने जो काम ब्लैकलिस्ट कंपनी में किया था, जब आप फिंगर्स करवाने गए हैं, सेफ की जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको डाउट लगा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने फॉर्मेलिटी की और आपको घर भेज दिया, पर उसने आगे जो केस है वो सेफ पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। और जैसे ही सेफ पुलिस के पास केस जाता है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसे अगर पाया मिलता है या पाया जाता है कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, तो वो फिर आपका केस आगे जो सेफ पुलिस है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चला जाता है और फिर कोर्ट में सुनवाई वगैरह चलती है। तो ये चीज़ जो है आपका वक्त बहुत खा जाती है दोस्तों, ये एक ज़रूर प्रॉब्लम है। क्योंकि हाल ही में मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था कि भाई हमारी कंपनी फ्रॉड निकली है और सेफ ने हमारी जो है वो फाइल जो है आगे पुलिस को भेज दिया है और हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है, या अभी तक 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक सेफ की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया, जबकि सेफ जो है वो 90 दिन वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको कार्ड इशू कर देती है। अगर इससे ज़्यादा वक्त लग गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके केस में कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर ख्याल में रखना है कि ये अच्छी बात है, फिलहाल तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि सेफ जो है वो रिजेक्ट कर रही है या सेफ ने डिपोर्ट भी किया है, पर इन फ्यूचर सेफ क्या करेगी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि अब सेफ जो है वो अपनी पावर जो है अब नई जो यहाँ की जो लोकल पुलिस है, जो नेशनल पुलिस है, वो उसको ट्रांसफ़र करने जा रही है। और दोस्तों इस स्टेप करने का मतलब यही होता है कि सेफ अब चाहती है कि बड़े लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस हों, सेफ की पावर बढ़े, इमिग्रेशन की पावर बढ़े, और अगर पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन को लेकर के किसी भी तरह के फ्रॉड चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वो उन चीज़ों को पकड़ सके। क्योंकि दोस्तों ये एक चेन चलती है, अगर आप लोगों ने किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी में काम किया है और आप वहाँ जाते हैं, तो जो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा था अगर सेफ ने नोटिफाई कर लिया तो वो इन जो केस है वो सेफ पुलिस के पास चला जाता है, और सेफ पुलिस जब उस कंपनी वाले के पास पहुंचेगी, अगर वो कंपनी वाला या वो नहीं लोकेट हो रहा है, तो सेफ फिर आपको कांटेक्ट करेगी कि बताओ तुम
इस बंदे का कहाँ पे लोकेशन हम इसको ट्रेस करेंगे, और जैसे ही वो उसे ट्रेस करेंगे तो उसको सच बोलना पड़ेगा, और वो जो सच बोलेगा कि भाई इतने सारे लोग और हैं जिन्होंने मेरी कंपनी में काम किया है, तो वो साथ में खुद तो मरेगा और साथ में बाकियों को भी अपने साथ लेके डूबेगा। और जिस आदमी से स्टार्ट हुआ था ये सारा कुछ, उसे तो इस चीज़ का मालूम ही कुछ नहीं था कि भाई जो कंपनी में मैं काम कर रहा था वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, और एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ और उस फ्रॉड के चक्कर में वो पूरे की पूरी जो चेन थी वो पकड़ में आ गई। तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप जैसे जानते ही हैं कि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है पुर्तगाल के अंदर, तो आप सतर्क रहें, अपने पास डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, आप यहाँ के कानून को समझें, क्या आपने फॉलो करना है, क्या आपके राइट्स हैं, सारा कुछ उसे समझें, और अपने पास ऑनलाइन एक्सेस रखें ताकि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपकी प्रोफाइल में चल क्या रहा है। तो ये एक अच्छी खबर भी है आप लोगों के लिए कि जो लोग भी अप्लाई करने वाले हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और जो लोगों के अंदर शायद ये डर बैठा हो कि पता नहीं भाई हमारी फाइल कहीं रिजेक्ट ही ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि डेटा के अंदर अभी तक सेफ ने ऐसा कुछ नहीं जारी किया कि हमने इतने लोगों को डिपोर्ट भी किया है, हमने इतनी फाइल रिजेक्ट भी करी है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन खुलती है, वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए कि बिना वजह मेरे 8-10 महीने खराब हो रहे हैं, तो इस चीज़ से अगर आपने बचना है तो लॉ को फॉलो करिए दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, हम उसे करेक्ट करें। अगर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑप्शन है दोस्तों, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का बार कोड आपको शो हो रहा है, अगर आप अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे, तो आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।